मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, इनको लगा कि मैं सुट्टा मारता हूँ, तो मुझसे कुछ तो मांग रही थी, बीड़ी मांग रही थी या पता नहीं ये वो मांग रही थी वो। बस में जब मैं सुबह बैठा हुआ था तो इन नज़ारों को देख रहा था, तो पीले पीले फूल सरसों के खेत जैसे, और ये सामने एल्प्स, वही DDLJ, और तुझे देखा तो ये जाना सा ना मेरे अंदर कहीं गूंज रहा था। अब मैं सोच तो रहा था कि बस से ही जाऊंगा, लेकिन वेराना ने मुझे कहा कि चलना चाहोगे साथ में। मैंने कहा देखो जी, आपको दिक्कत ना हो तो मेरे को तो उससे ज़्यादा और क्या मिल सकता है, मेरा टाइम बचेगा। और फिर उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि देखो बस के रास्ते से जाना है या किसी दूसरे रास्ते से ले चलूँ। मेरे लिए तो छप्पर फाड़ के मिल रहा है, और बस ये ज़रूर है ऑल्दो बारिश अब रुक चुकी है, लेकिन हम इंसान हैं, हमें हमेशा कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैं ये भी सोच रहा था काश ये नीला आसमान होता तो ये नज़ारे और सुंदर थे। Okay. And these umlauts, and especially umlauts. Yeah. It's the worst thing for the foreign people is ö, ä, ü. I mean, ä is still okay, ü is still okay, but ö is ö. I would take time. I would definitely make it happen. I would learn for sure. Österreich. Okay. Very good. Österreich. No, I was better before, not now. Österreich. Okay, I'll just let it go. I have to say thank you on the video. Verena मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आई है, मेरा होटल वहाँ पीछे है और ये उनकी गाड़ी है। So thank you so much, Verena. Thank you very much. Welcome. Thank you once again. And welcome. Thank you. Welcome here in Innsbruck. Sure, I'll come. पौने आठ हो रहे हैं, भूख थोड़ी लगी थी, यहाँ थोड़ा आराम किया अपने रूम में आने के बाद, और इसके बाद मैंने सोचा मैं जा रहा हूँ इंडियन खाने के लिए। यहाँ पर मुझे मिला इंडियन रेस्टोरेंट एक, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, खास बात यह है ये बड़ी अच्छी गली लगती है मुझे, क्या सुंदर है ना इतनी लो हाइट वाली छत की, और यहाँ से बाहर निकलते ही आ जाओ एक के लिए। और सबसे ख़ास बात यह है कि इससे बाहर निकलते ही वहाँ अगर आसमान साफ हो तो ये बर्फ़ से ढके पहाड़ नज़र आते हैं। क्या नाम है इस जगह का, बहुत ही स्पेशल है, बहुत टूरिस्ट आते रहते हैं यहाँ पर। ये बारिश की वजह से सूनी पड़ी है इस वक्त, सूनी तो खैर नहीं है, लोग हैं कम हैं। मुझे अभी ख्याल आया कि मेरे पास वो जो वेलकम कार्ड है ना, उसका इस्तेमाल करके मैं बस या ये ट्राम पकड़ सकता था लोकल इंसब्रुक में ट्रैवल करने के लिए। खामा खामा पैदल जा रहा था, हालांकि चलना चाहिए पैदल, ठीक है ना, जब है वेलकम कार्ड तो क्यों ना इस्तेमाल करें अगले स्टॉप तक। वाज इट गुड, यू लाइक दोस पिक्चर्स, आर दे गुड, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, यू आर वेलकम, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, अ लिटिल बिट, ऑलराइट, नॉट सो मच।
मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, इनको लगा कि मैं छुट्टा मारता हूँ, तो मुझसे कुछ तो मांग रही थी, बीड़ी मांग रही थी या पता नहीं ये वो मांग रही थी, वो आग लगाने वाला यंत्र समझ में नहीं आया था। तो मैंने कहा क्या फ़ोटो खींचनी है, तुमने कहाँ फ़ोटो खींचनी है, मैंने खींच दी। मन था ट्रैम में बैठने का, बैठ गया। चलो उतरने का वक्त आ गया। इस ट्रीट का नाम पता नहीं क्या है, उधर फोक्स बैंक है और ये आ गया। वैसे आमतौर पर जब मैं बाहर घूमने के लिए निकलता हूँ, कहीं विदेश में होता हूँ, तो आपने शायद मुझे शायद ही कभी देखा होगा कि मैं किसी इंडियन खाने रेस्टोरेंट की तलाश में घूमता हूँ। पर मेरे दिमाग में एक बात ये भी थी कि अक्सर बहुत सारे लोग घूमते हैं और तो इंडियन खाने की भी तलाश में, तो मैं यहाँ पर आ गया। तो ये है जयपुर, अंदर आ चुका हूँ। ऑल दो जैसे जयपुर का दिमाग में मेरे नाम आया तो मैंने सोचा कि कुछ राजस्थानी खाने को मिलेगा, दाल बाटी चूरमा मिल जाएगा शायद, तो खैर वो तो नहीं है। पर एक बात थी, एक चीज़ और है, अक्सर मैंने देश सुना है कि जब आप इंडिया से बाहर निकल के रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो वहाँ पर वो स्वाद नहीं होता जो आपको अक्सर अपने इंडियन रेस्टोरेंट्स में जो कि इंडिया में वो मिलता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि वैसे शेफ़ नहीं होते हैं, उनको तरीका वैसा नहीं आता है या मसाले वैसे नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ कैसा होगा मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊँगा। बात बताऊँ सीरियसली, रेस्टोरेंट में हूँ और अकेले खाते हुए ना कुछ अजीब लग रहा है मुझे, यहाँ पर सब लोग, पता नहीं मैं ये बात आपके साथ में शेयर क्यों कर रहा हूँ वीडियो पर सार्वजनिक रूप से। फिलहाल मैंने मैंगो लस्सी ऑर्डर की है और खाने में मैंने ऑर्डर किया है दाल और रोटी। थैंक यू। ये अच्छी और अभी अभी इन्होंने पापड़ ला के दिया है। पापड़ थोड़ा कच्चा है, इसलिए टूट नहीं रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये है क्या चीज। पुदीना बस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, इसलिए थोड़ा देर में पता चला। वाव, सौंठ, दही बल्ले के ऊपर जो मीठी वाली चटनी डाली जाती है ये वो है। और अब मेरी माता श्री के हाथों के दही बल्ले याद आ रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। रेस्टोरेंट में ना मतलब होता है एक बात करके, अब मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। अभी एक बालक आया था, उसको हाई किया और उस तरफ बालक की माता जी थी शायद, मुस्कुरा के उन्होंने भी हाई किया। एक बड़ी थोड़ी सी अजीब चीज़ है, मैंने इनको कहा था रोटी खिलाने के लिए नान ले आए हैं, चलो नान ही खा लेते हैं। खैर मैं अभी खा रहा हूँ दाल, ये दाल है
दाल रोटी ही खाएंगे आज। मतलब ये दाल रोटी खाने में मुझे बोलने में कैसा लगा, अजीब सा। वेयर एज इस दाल रोटी के लिए एक लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ा मुझे, और एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, एक इंडियन रेस्टोरेंट को चुनने के लिए मैंने बताया था कि 2 महीने हो गए जनाब एक सही दाल रोटी खाए हुए। जयपुर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया हूँ। अरे भाई साहब अंदर ना, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। अगर आप खाना खाने के लिए आना चाहते हैं और मेरी जो मैंने खाया था वो खाना चाहते हैं, दाल रोटी, तो आ सकते हैं आप। मेरी उम्मीदों का लेवल एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम हो गया था। काफ़ी लोगों ने कहा था कि इंडियन खाना जब बाहर खाते हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और एक रेस्टोरेंट में गया था बर्लिन में, तो वो वाहियात तो नहीं, बस उसके आसपास ही था, ये थोड़ा ठीक ठाक था। गुलाबी आँखें